Hello guys, I am Ashi from LU Update. In this video, we will do a next subject, microeconomics. In this, we will cover a first unit, and we are trying to cover all the units of the microeconomics in the upcoming videos. Okay, and those who are new to our channel, please subscribe our channel for all the latest new notifications. And if you have any queries, please comment me in the comment section. And now from now, all the content of this YouTube video will be uploaded in the our website LU Update. Please visit our website for all the PDF, ebooks and e-notes. Okay, so let's start the video. Okay, in first unit, first topic is concept of market. First, in a simple word, in a simple terms, a market refers to a physical place where goods and services are exchanged between the buyers and the seller at a particular prices. Basically, अगर हम लोग इन सिंपल वर्ड्स में मार्केट को डिफाइन करना हो तो एक हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी फिजिकल प्लेस जहाँ पे बायर और सेलर होते हैं, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के बाद उन दोनों के बीच में एक प्राइस को डिसाइड किया जाता है, रिलेटिव प्राइस और फेयर प्राइस डिसाइड होता है, और फिर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है. ओके, सो हम लोग इन सिंपल टर्म में मार्केट उसी को बोलते हैं. ओके, बट हाउवर इन अ इकोनॉमिक सेंस में, अगर हम लोग इकोनॉमिक सेंस में अगर मार्केट को डिफाइन करते हैं तो क्या, मार्केट डज नॉट रिक्वायर्ड अ फिजिकल लोकेशन और द पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. बेसिकली इन द इकोनॉमिक सेंस में हम लोग ये कहते हैं कि मार्केट का मतलब यही नहीं होता है कि एक फिजिकल लोकेशन होना चाहिए, एक लोकेशन हो, एक रीजन हो जहाँ पे बायर और सेलर का एक पर्सनल कॉन्टैक्ट, मतलब फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो, तभी ट्रांजैक्शंस हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज का. नहीं, ऐसा नहीं है. इकोनॉमिक सेंस में ये कहा जाता है कि जो मार्केट है उसके लिए क्या होता है कि आपको एक लोकेशन की ज़रूरत भी नहीं है, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि जो बायर एंड सेलर हो उनमें पर्सनल कॉन्टैक्ट होना चाहिए. वो पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता, लेकिन वो स्टिल कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर, से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू टेलीफोन के थ्रू भी आपको कम्युनिकेशन हो सकता है, और भी बहुत तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है. तब भी क्या हो सकता है कि आपके जो ट्रांजैक्शंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज है वो एक्सचेंज हो सकती हैं. ओके, इन इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग डेफिनेशन देखें मार्केट की, तो मार्केट इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ अ बायर्स एंड द सेलर हु आर ज्योग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ओके, बट आर स्टिल एबल टू कम्युनिकेट टू फाइनलाइज द ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. बेसिकली इसमें क्या होता है, मार्केट जो एक मार्केट इस तरह से इसमें इकोनॉमिक्स में डिफाइन किया गया है कि ये एक सेट ऑफ बायर्स और सेलर्स का एक सेट होता है, जिसमें क्या होता है कि बायर्स और सेलर क्या होते हैं, ज्योग्राफिकली सेपरेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से लोकेशन से अलग अलग, मतलब रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, एक ही लोकेशन में, एक ही लोकेलिटी, एक ही रीजन में नहीं, अलग अलग भी अगर बायर्स और सेलर हैं लोकेटेड, तो क्या होगा कि उन लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन होगा, मतलब फेस टू फेस कॉन्टैक्ट तो नहीं होगा, बट उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा. दे आर स्टिल एबल, वो एबल हैं कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, और ट्रांजैक्शन के जो भी फाइनल, मतलब ट्रांजैक्शन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का होना है उसको फाइनलाइज कर सके, और फाइनलाइज करने के बाद उन दोनों के बीच में क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज का. ओके, सो इन इकोनॉमिक सेंस द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट कैन बी अ लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल. चार टाइप के मार्केट्स हो सकते हैं. ओके, सो लेट स्टडी दीज फोर मार्केट इन ए डिटेल. ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द कॉर्नेट के अकॉर्डिंग क्या है, इकोनॉमिस्ट ने ये कहा था कि अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस इन विच द थिंग्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड बट द होल ऑफ एनी रीजन इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर इन अ सच फ्री इंटरकोर्स विथ वन अनदर दैट द प्राइस ऑफ दिस
price of the same goods tend to be equally easy and quickly as per definition given by the Conrad. Okay, इनके अकॉर्डिंग कॉनरट इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा था कि मार्केट ज़रूरी नहीं है कि आपका एक मार्केट प्लेस हो, मतलब एक लोकेलिटी हो मार्केट की ही, ठीक है. अगर कोई लोकेलिटी नहीं है, मार्केट प्लेस नहीं है, तब भी क्या होगा, गुड्स जो होंगे वो ब्रॉट और सोल्ड होंगे. ओके, इसमें ये कहा जाता है कि जो बट द होल ऑफ द रीजन जो होता है उसमें क्या होना चाहिए कि जो बायर्स एंड सेलर हैं उनके बीच में फ्री इंटरैक्शन होना चाहिए कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके अबाउट द प्राइजेस, अबाउट द प्रोडक्ट व्हाट दे वांट एंड दे टेंड प्राइजेस को डिसाइड कर सके और उनको प्रोडक्ट जो लेना और उनके बीच में एक एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हो सके ईजिली, ओके, और क्विकली, ठीक है. उसको कहते हैं हम लोग मार्केट. एज पर द डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देयर आर फॉलोइंग एसेंशियल ऑफ द मार्केट, देयर फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द मार्केट. इन्होंने इधर बताया है कि जो प्रोडक्ट विच आर डेल्ट विथ, जो प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें हम लोग डीलिंग कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की बात होनी चाहिए, ठीक है. ये पहला फीचर होना चाहिए क्योंकि अगर मार्केट है तो मार्केट में प्रोडक्ट से ही आप डीलिंग कर रहे होंगे, प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी मार्केट में, ओके. सो फर्स्ट इज अ प्रोडक्ट विच आर डेल्ट विद, ओके. सेकेंड फीचर इज दैट प्रेजेंस ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स, मतलब आपका दोनों पार्टीज जो बायर्स एंड सेलर हैं वो दोनों पार्टी का प्रेजेंस प्रेजेंट होना ज़रूरी है. अगर बायर नहीं है तो फिर सेलर का क्या काम, मतलब जो बायर नहीं कर रहा है तो सेलर क्या करेगा मार्केट में, कुछ नहीं, ठीक है. तो दोनों का प्रेजेंट होना नेसेसरी है, ओके. एंड थर्ड फीचर इज दैट अ प्लेस वेदर अ सर्टेन रीजन कंट्री और द होल वर्ल्ड. इस पे कह रहे हैं वो प्लेस, चाहे वो एक पर्टिकुलर रीजन हो, चाहे वो कंट्री हो या होल वर्ल्ड की बात हो, वो प्लेस कोई भी प्लेस हो सकती है, ओके, मार्केट के लिए, मार्केटिंग करने के लिए. देन फोर्थ फीचर इज अ टाइप ऑफ अ इंटरैक्शन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स सो दैट द सेम प्राइस प्रिवेल फॉर अ सेम प्रोडक्ट एट अ सेम टाइम. इसमें ये कहते हैं कि बताया ना कि बायर्स एंड सेलर के बीच में फ्री इंटरैक्शन होना चाहिए उन लोगों के बीच में, कि वो लोग क्या कर सके, डिसाइड कर सके एक प्रिवेलिंग प्राइस, एक फेयर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट ऑफ द जो भी वो प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के प्रीवियर प्राइस, मतलब एक फेयर प्राइस को डिसाइड कर सके एट अ सेम टाइम पे और वो एक्सचेंज कर सके गुड्स एंड सर्विसेज, ओके. दीज आर दी फोर फीचर्स एसेंशियल्स ऑफ द मार्केट, ओके. देन देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट. बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है वो फोर पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ अ ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइम के बेसिस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ अ नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन कैसा हो रहा उसके बेसिस पे, और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन के बेसिस पे क्या किया गया है, मार्केट को क्लासिफाई किया गया, ओके. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ अ ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे. पहला क्या है, मैंने बताया था ना कि चार लोकेशंस होते हैं, एक लोकल, रीजनल, लोकल नेशनल, लोकल रीजनल नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट होती है, ठीक है. तो लोकल मार्केट क्या होती है, लोकल मार्केट जो बेसिकली आपके नियर बाय एरियाज़ में होती हैं, जहाँ पे आप अपने पेरिशेबल गुड्स को, डेली गुड्स जो भी आप डेली यूज़ गुड्स करते हैं, जो आप अपने नियर मार्केट से खरीदते हैं बेसिकली, उन्हीं को हम लोग लोकल मार्केट बोलते हैं, ठीक है. इन सच अ मार्केट द बायर्स एंड सेलर्स आर लिमिटेड टू अ लोकल रीजन और द एरिया, मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर जो होते हैं वो लोकल, मतलब बहुत ही लिमिटेड, मतलब लिमिट में होते हैं, ओके, प्रेजेंट होते हैं. दे यूजली सेल पेरिशेबल गुड्स ऑफ द डेली यूज सिंस द ट्रांसपोर्ट ऑफ सच गुड्स कैन बी एक्सपेंसिव. वही बोला ना कि जो आपके लोकल एरियाज़ में आपकी जो शॉप्स होती हैं वो बेसिकली आपके देखा होगा पेरिशेबल गुड्स, जो बेसिकली आपके डेली यूज़ के गुड्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, राशन की शॉप्स ले लीजिए, हाँ, ये सारी शॉप्स क्या होती हैं बेसिकली वो उस एरिया में यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, पेरिशेबल जो गुड्स होते हैं, जो डेली यूज गुड्स होते हैं, उन्हीं को क्या करते हैं, सेल करते हैं. बट इनका जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस सच गुड्स, जो ट्रांसपोर्टेशन इनका होता है वो क्या हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है, ओके. देन द सेकेंड इज़ अ रीजनल मार्केट.
बेसिकली रीजनल मार्केट क्या है, लोकल मार्केट कंपैरिजन में एक वाइडर कंसेप्ट है, वाइडर मार्केट है जो कवर करता है ज़्यादा एरिया को। ये आपका क्या होता है कि जहाँ पे आपके क्या होते हैं क्लस्टर ऑफ अ नंबर अ फ्यू स्मॉलर स्टेट टाइप में आप कह लें, क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ द फ्यू स्मॉलर स्टेट्स का कह लें। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज अ रीजनल मार्केट। देन देयर इज अ थर्ड वन इज अ नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे आपके डिमांड फॉर द गुड्स इज लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक कंट्री। एक मतलब आपका नेशनल मार्केट मतलब कंट्री के बीच में होना, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि जो डिमांड होती है वो क्या हो, लिमिटेड हो आपकी। ओके, और द गवर्नमेंट मे नॉट अलाउ टू ट्रेड ऑफ सच गुड्स आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज। और गवर्नमेंट के आपके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है कि आप ये सारे जो गुड्स हैं ना आप इनको नेशनल मतलब आप नेशन बाउंड्रीज के बाहर आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, इसको अलाउ नहीं करती है। ओके, दैट आर कॉल्ड एज अ नेशनल मार्केट। देन देर इज अ इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, एक नेशन से दूसरे नेशन में अगर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को जो होते हैं, वैन उसको जो इंटरनेशनली लेवल पे मार्केट होती है, इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट, उसको बेसिकली हम लोग इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं। व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इंटरनेशनल एंड द गुड्स आर आल्सो ट्रेडेड इंटरनेशनली इन अ बल्क क्वांटिटी में, बल्क की क्वांटिटी में अप्लाई होती है जैसे कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के थ्रू, ठीक है, वी कॉल इट एज अ इंटरनेशनल मार्केट। ओके, देन देयर इज अ सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम के बेसिस पे। इसमें तीन मार्केट होती है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट और लॉन्ग पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होती है, इसमें इज दिस व्हेन द सप्लाई ऑफ अ गुड्स इज फिक्स्ड। जो भी आपकी सप्लाई ऑफ अ गुड हो रही होगी, गुड्स की हो रही है, वो फिक्स्ड होगी एंड सो इट कैन नॉट बी चेंज इनिशियली। क्या होगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि जो आपकी सप्लाई है वो फिक्स्ड है, वो कंस्टेंट है, वो सेम है आपकी, ठीक है। अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, फॉर से फॉर एग्जांपल द मार्केट फॉर अ फ्लावर वेजिटेबल और फ्रूट्स, द प्राइस ऑफ द गुड्स विल डिपेंड ऑन द डिमांड। बेसिकली आपको पता ही है कि अगर आप जो फ्लावर की शॉप, जो वेजिटेबल्स की शॉप्स हो गई और फ्रूट्स की शॉप्स हो गई, इसकी बेसिकली जो प्राइजेस होती हैं गुड्स की वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिमांड पे डिपेंड करती है कि लोग कितना डिमांड कर रहे हैं। अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइजेस कम हो जाते हैं, इनवर्स रिलेशन होता है ना डिमांड एंड सप्लाई के बीच में। ओके, और जब डिमांड कम होती है तो प्राइजेस मतलब ज़्यादा, जब प्राइजेस ज़्यादा हो जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, है ना। तो वही है ना कि आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड जो हो रही है वो कैसी है नेचर में, ठीक है, मार्केट में। ओके, देन द सेकेंड इज अ शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट में बेसिकली क्या होता है, द मार्केट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द प्रीवियस वन, हेयर द सप्लाई कैन बी स्लाइटली एडजस्टेड। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हम लोग प्रीवियस, अभी हम लोग ने जो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट के बारे में पढ़ा, इससे कंपेयर करें तो ये क्या होती है, लॉन्गर मार्केट होती है, मतलब लार्ज एरिया में थोड़ी होती है, लार्जर एरिया और थोड़ी लॉन्गर पीरियड के लिए भी क्या होती है, एग्जिस्ट में रहती है। बट इस और इसमें क्या हो सकता है कि उसमें क्या था कि आपकी जो सप्लाई ऑफ गुड्स थी वो फिक्स्ड थी, वो कंस्टेंट थी। इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत क्या होता है, एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। ओके, देन देर इज़ अ लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या होती है, हेयर द सप्लाई कैन बी चेंज्ड। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड मार्केट आपको पता है कि सप्लाई जो होती है वो चेंज हो सकती है ईजिली बाय द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉन्ग पीरियड में क्या होता है कि चेंज होता है, तो आपकी जो सप्लाई होगी ऑफ द गुड्स की क्या होगी, वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। सो इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट, के अकॉर्डिंग क्या होगी, चेंज होगी। ओके, सो द मार्केट विल बी डिटरमाइंड इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस इन द टाइम। और सो क्या होगा कि उस टाइम पे क्या होगा, मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे आके मिलेगा जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और जो जहाँ पे इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करेंगी उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो इसमें क्या होता है, लॉन्ग पीरियड में क्या होता है कि हम लोग का जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट के जो भी डिमांड एंड सप्लाई होती है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो जाती है, मेट हो जाती है। ओके, इक्विलिब्रियम पे। एंड देन देयर इज अ थर्ड इज अ ऑन द बेसिस ऑफ अ नेचर ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब किस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है,
उस बेसिस पे भी मार्केट को क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट इज़ अ स्पॉट मार्केट. स्पॉट मार्केट क्या होता है? दिस इज़ वेयर स्पॉट ट्रांजैक्शंस अकर. दैट इज़ द मनी इज पेड इमीडिएटली. दिस इज़ नो सिस्टम ऑफ क्रेडिट. बेसिकली स्पॉट मतलब कि आपने तुरंत ऑन द स्पॉट आपने क्या किया है कि पेमेंट कर दी है. जो भी आपने गुड्स सर्विसेज का एक्सचेंज किया है उस पर क्या कर रहे हैं आप, जो पेमेंट है वो ऑन द स्पॉट तुरंत की तुरंत आप क्या कर दे रहे हैं, दिए दे रहे हैं. यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं होता है कि आपको क्रेडिट मिले, उधार मिले, ठीक है, इस मार्केट में. ओके, सेकेंड मार्केट क्या होती है? फ्यूचर मार्केट. फ्यूचर मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि वेयर द ट्रांजैक्शन आर क्रेडिट ट्रांजैक्शन. इसमें क्या होता है कि आपके जो ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे मतलब होते हैं कि आपके ट्रांजैक्शन तो हो जाते हैं जो पैसा, लेकिन जो होता है वो क्रेडिट मतलब उधारी पे होता है. क्या होता है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शंस होते हैं. देयर इज़ अ प्रॉमिस टू पे अ कंसिडरेशन सम टाइम इन द फ्यूचर. यहाँ पर एक प्रॉमिस होता है बाय द सेलर. जो सेलर बायर जो बाय कर रहे हैं उनसे एक प्रॉमिस होता है कि मैं आपको पे कर दूंगा. ओके, सो मैं जो भी आपका अमाउंट बन रहा है पे करने के लिए कंसिडरेशन, वो आपको इन द फ्यूचर डेट में क्या होगा, पे हो जाएगा. ओके, उसको हम लोग फ्यूचर मार्केट कहते हैं. देन देयर इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अ रेगुलेशन के बेसिस पर भी आपको मार्केट को क्लासीफाई किया गया है. रेगुलर मार्केट और अनरेगुलर मार्केट. रेगुलर मार्केट में क्या होता है कि इन सच अ मार्केट देयर इज़ अ स्मॉल ओवरस्लाइड बाय appropriate government authority. This is to be ensured that there are no unfair trade practices in the market. So the market may basically इसमें क्या होता है कि आपका appropriate जो government authority होती है उसमें क्या करती है, oversight कर, मतलब आपका government authority का इसमें rules and regulation इसमें होते हैं, इसमें control इस market में regulated market में होता है. और आपकी अगर government involved हुई है तो क्या होगा कि government ज़रूर ensure करेगी, government authority ensure करेगी कि आप जो market है उसमें क्या हो सके, कोई भी unfair trade practices ना हो सके मार्केट में. ओके, सो सच मार्केट मे बी रेफर टू द प्रोडक्ट और द इवन अ ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट को हम लोग कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट इज हाईली रेगुलेटेड मार्केट. आप इसको स्टॉक मार्केट ले लीजिए, वो क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या होती है, रेगुलेट होती है. और वहाँ पे क्या होता है, ये भी श्योरिटी होती है क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो लोगों को श्योरिटी रहती है कि अनफेयर जो भी मैनिपुलेशन हो गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई, वो क्या होंगी, वहाँ पे नहीं होंगी. ओके, एंड देन इज अ अनरेगुलर्ड मार्केट. अनरेगुलर मार्केट क्या होती है, दिस इज़ एन एब्सोल्युटली फ्री मार्केट. मतलब एक बिल्कुल आपकी फ्री मार्केट है. देयर इज़ अ नो इंटरफेरेंस, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, देयर इज़ अ नो ओवरसाइट और द रेगुलेशन. द मार्केट फोर्स डिसाइड एवरीथिंग. इसमें क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता. सो क्या होता है, जो मार्केट फोर्स होती है वही क्या करती है, हर चीज़ को डिसाइड करती है. प्राइस क्या होगा, क्या कैसे क्या चीज़ होंगी मार्केट में, वो क्या होती है, वो मार्केट फोर्स के द्वारा ही क्या की जाती है, रेगुलेट की जाती है. ओके, दीज आर ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट. ओके, देन देर इज अ नेक्स्ट टॉपिक इज अ मीनिंग ऑफ द सप्लाई. बेसिकली सप्लाई क्या होता है, सप्लाई मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर है आपका या प्रोवाइडर जो है वो क्या करता है, वो विल करता है, मतलब वो इच्छा करता है, वो मतलब विलिंग उसकी होती है और वो एबल भी होता है. मतलब विल तो करता है, वो सोचता तो है, लेकिन वो मतलब उतना कैपेबल भी होता है कि वो जो भी सोच रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस करने का सोच रहा है और मार्केट में क्या करना चाहता है, वो ऑफर भी करना चाहता है एट अ वेरिएबल प्राइसेस पे, तो क्या कर सकता है कि वो ऑफर भी करता है और उसको प्रोड्यूस भी करता है और सप्लाई भी मतलब क्या करता है, गुड्स को बनाता भी है और उसको क्या करता है, ऑफर भी करता है मार्केट में, मतलब सप्लाई भी करता है मार्केट में एट अ वेरियस प्राइसेस पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम पे. ओके, उसी को बेसिकली हम लोग सप्लाई बोलते हैं. बेसिकली देखिए, सप्लाई रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ प्रोड्यूसर और प्रोवाइडर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट अ वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम पे क्या करता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्या करता है, ऑफर भी कर देता है मार्केट पे, मतलब वो प्रोड्यूस भी कर लेता है और ऑफर भी कर देता है, सेल भी कर देता है टू द मार्केट पे. ओके, देयर आर द टू इंपॉर्टेंट एसेप्ट्स ऑफ द मार्केट. के दो इंपॉर्टेंट एसेप्ट होते हैं. बेसिकली जो सप्लाई होती है वो सिर्फ क्या करती है, रिफर्स टू वॉट इज़ ऑफर फॉर अ सेल. सिर्फ वो जो है ना, वो उसका जो कंसेप्ट है वो सिर्फ कहाँ तक है, आपको ऑफर करना, ऑफर फॉर द सेल के लिए ऑफर करना,
नॉट वॉट इज फाइनली सोल्ड, मतलब जो फाइनली सोल्ड टू द कंज्यूमर को उससे उसका कोई भी ताल्लुक, मतलब कंसिडरेशन नहीं होता है, कंसर्न नहीं होता है। वो सिर्फ किस पे फोकस करता है कि आपको ऑफर करना है, ऑफर फॉर द सेल, कि वॉट इज ऑफर फॉर द सेल। ओके, सो सप्लाई क्या होती है, सिर्फ क्या होता है, फॉर द सेल के लिए होता है, नॉट फॉर द फाइनल सोल्ड के लिए नहीं होता है, नॉट कंसर्न विद इट। ओके, एंड सप्लाई क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी क्वांटिटी है वो पर डे, पर वीक, पर मंथ के अकॉर्डिंग क्या होती है, सप्लाई होती है, एक कंटिन्यूटी होती है। ओके, तो सप्लाई को हम लोग फ्लो कंसेप्ट भी बोलते हैं। ओके, देन देयर इज अ डिटरमिनेंट ऑफ द सप्लाई, देयर आर द फैक्टर्स ऑफ द सप्लाई के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट इज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, the most obvious one of the determinant of the supply is the price of the products or the services. With all the other parameter being equal, the supply of the product increases if its relative prices is higher. जब basically आपको पता है ना कि जो भी supply है वो किस पे पहले, मतलब इसका factor determinants क्या होते हैं, कि price एक पहला determinant होता है इसका, कि अगर सब चीज़ अगर कहा जा रहा है कि ऑल दी पैरामीटर्स ऑफ दी जो भी होते हैं सप्लाई में, एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइजेस ऑफ दी जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, टेस्ट, इन सारे पैरामीटर्स क्या, अगर ये सारे पैरामीटर्स इक्वल हो जाएं तब क्या होता है कि अगर हम लोग सपोज कर ले कि जितने भी पैरामीटर्स हैं वो इक्वल हैं, तो जो भी आपके जो भी प्रोडक्ट जो सप्लाई हो रहा है वो इंक्रीज़ कब करेगा, तभी इंक्रीज़ करेगा जो भी आपके रिलेटिव प्राइजेस होंगे, रिलेटिव गुड्स के जो भी प्राइजेस होंगे, जब वो हाई हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी जो सप्लाई ऑफ दी जो उस टाइम के जो प्रेजेंट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट की होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, देन देयर इज अ सेकेंड डिटरमिनेंट इज अ प्राइस ऑफ अ रिलेटिव गुड्स। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो प्राइस ऑफ द रिलेटिव गुड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेट्स से दैट द प्राइस ऑफ द वीट राइजेस, अगर हम लोग माने कि जो प्राइस ऑफ द वीट्स हैं उसके प्राइजेस क्या हो गए हैं, राइस हो गए हैं, मतलब बढ़ गए हैं। हैंस इट्स बिकम मोर प्रॉफिटेबल फॉर अ फर्म टू सप्लाई वीट एज कम्पेयर टू द कॉर्न और सोयाबीन्स। मतलब क्या होता है, जब आपके जो प्राइसेस ऑफ द वीट है उसके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो गए हैं, तो क्या करता है सप्लाई के लिए, फार्म के लिए बेनिफिट होता है, मतलब प्रॉफिटेबल होता है कि वो क्या करे, वीट को ही क्या करे, सप्लाई करे, एज कम्पेयर टू द अदर, अगर आप ले लें कॉर्न ले लें, सोयाबीन्स ले लें, इसके कंपेरिजन में क्या करता है फार्म जो होता है वो वीट को ही सप्लाई करता है। ओके, क्योंकि जिसके प्राइसेस बढ़ते हैं उसी पे क्या होती है, फर्म क्या होती है, शिफ्ट कर जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग भी होती है फ्रॉम वन कमोडिटी टू द अनदर कमोडिटी। ये देखा जाता है कि जो प्राइसेस हो, अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस अगर राइज कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो फर्म होती है, प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या कर जाते हैं, शिफ्ट ऑन कर जाते हैं। ओके, फ्रॉम वन, जैसे वन कम्युनिटी टू द अनदर कम्युनिटी पे। ओके, हेयर द सप्लाई ऑफ वीट विल राइजेस वेयर एज द सप्लाई ऑफ अ कॉर्न एंड सोयाबीन विल एक्सपीरियंस अ फॉल को एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम्पल से समझें तो ठीक है, अगर फार्मर जो है वो वेरियस वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहा है एट अ सेम पीस ऑफ अ लैंड है, उस पर क्या कर रहा है फार्मर, क्या कर रहा है, बहुत सारी सब्जियों को क्या कर रहा है, मतलब उगा रहा है, ग्रो कर रहा है, और लेकिन अगर क्या हो रहा है कि जो मार्केट प्राइजेस है, मार्केट प्राइस ऑफ दी किसी भी आप सब्जी के ले लीजिए, पी ले लीजिए, मटर के दाने जो होते हैं उनकी जो प्राइजेस, मार्केट प्राइजेस हैं वो क्या हो गई है, वो राइज कर गई हैं, वो इंक्रीज कर गई हैं। ठीक है, तो फार्मर क्या करेगा, फार्मर तब यही करेगा ना कि पी जो मटर है, पी है, उसके क्या हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो फार्मर क्या करेगा कि वो क्या करेगा, प्रोड्यूस है सप्लाई क्या करेगा, पी जो है मटर के दाने हो उसी को प्रोड्यूस भी करेगा और उसको सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा, सप्लाई भी करता है और क्या करेगा, और इन द प्लेस ऑफ जो अदर वेजिटेबल्स भी जैसे वो ग्रो करवा रहा था, जैसे कि आपकी कैबेज हो गया,
और भी वेजिटेबल्स ले लीजिए, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा क्या होगा, वो जो अदर वेजिटेबल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक्सपीरियंस फॉल एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि उस पर ज़्यादा फिर फार्मर नहीं फोकस करेगा. ओके, सो जनरली इसमें ये कहा जाता है कि जो प्राइस सप्लाई होते हैं वो वेरीज इनवर्स टू द प्राइस के इनवर्स होती, इनवर्स ऑफ द जो भी सब्सटीट्यूट प्राइजेस होते हैं उनके क्या होती है, इनवर्स होती है. ओके, देन देयर इज अ सेकेंड थर्ड डिटरमिनेंट इज प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन. आप जो भी आपके जो भी फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं उसके भी प्राइजेस पे डिपेंड करता है, कि जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर बिल्डिंग इनके ऊपर भी डिपेंड करता है. द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व मैनी कॉस्ट. आपको पता है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें बहुत सारी कॉस्ट जो होती है वो इन्वॉल्व होती हैं. इफ़ देयर इज़ अ राइज इन द प्राइज ऑफ द पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन में अगर थोड़ा सा भी राइज हो गया है, ठीक है, जैसे आपके लैंड में राइज हो गए, लैंड के रेंट राइजेस हो गए हो, आप जो भी रेंट हो गया, लेबर के वेजेस जो सैलरी उसमें अगर हल्का से भी राइज होता है, राइज इन द प्राइजेस में अगर उसके होता है, तो क्या होता है, देन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द गुड्स, जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस करें उसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, दैट यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ द फैक्ट एक्सपीरियंस अ ह्यूज इंक्रीज. उसमें भी क्या हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगी. ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है कि आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या प्राइसेस, अगर उसमें इंक्रीजमेंट आएगा, वो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस अगर हाई हो जाएंगे तो क्या होगा, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. ओके, देन देयर इज अ फोर्थ डिटरमिनेंट इज स्टेट ऑफ अ टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इन्वेंशन टेंड टू मेक इट पॉसिबल टू दी प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी एंड दी क्वालिटी एंड दी क्वांटिटी ऑफ द गुड्स यूजिंग द सेम रिसोर्सेज. बेसिकली क्या होता है कि अगर आप बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, इनोवेटिव इनोवेशन ऑफ द न्यू मशीनरीज लगा रहे ला रहे हैं, एडवांस टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, सो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा, और देयरफॉर सप्लाई भी क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी आपकी. ओके, क्या होगा फिर, आप इससे बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर आप बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो. ओके, देयरफॉर द स्टेट ऑफ अ टेक्नोलॉजी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ अ सर्टेन गुड्स. को क्या कर सकती है, स्टेट जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं उससे आपकी गुड्स की सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कि आप कैसी कैसा मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं. ओके, और आपको प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रही है आपकी अगर आपका जो भी किसी क्या होगा ना, कि अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही होगी तो आपके क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा होगा, प्रॉफिट मार्जिन के तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो कम हो रही होगी. ओके, इंक्रीज हो. देन देर इज़ अ फिफ्थ डिटरमिनेंट इज़ अ गवर्नमेंट पॉलिसी. बेसिकली आपका गवर्नमेंट पॉलिसी से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सप्लाई पे. देखिए कमोडिटी टैक्सेस, लाइक आपको पता है ना कि बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, एक्सेस ड्यूटी हो गया, इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया, GST, ETC, हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन पे बहुत ही ज़्यादा असर इन सारे टैक्सेस से पड़ता है. जो ठीक है, दीज टैक्सेस कैन राइज ओवरऑल कॉस्ट. बेसिकली आपके अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो आपके ओवरऑल जो कॉस्ट होगी वो भी बढ़ जाएगी. हेयर द सप्लाई ऑफ अ गुड्स दैट आर इम्पैक्टेड बाय दीज टैक्सेस इंक्रीज ओनली व्हेन द प्राइसेस इंक्रीजेस. इन सप्लाई की जो भी सप्लाई ऑफ अ गुड्स की अगर जो सप्लाई ऑफ अ गुड्स पे क्या होता है कि जो अगर बढ़ रही, अगर उसके प्राइसेस बढ़ रहे होंगे तो क्या होगा, टैक्सेस भी क्या होता है, टैक्सेस तभी इंक्रीज होते हैं जब प्राइसेस जो हो रही होती है सप्लाई ऑफ अ गुड्स की वो इंक्रीज कर रही होती है. ऑन दी अदर हैंड अगर दूसरा अगर गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें तो सब्सिडीज, गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है और सब्सिडीज क्या करती है, प्रोवाइड करती है. ओके, बेनिफिट, तो सब्सिडीज अगर आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उससे क्या होगा, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. एंड इससे क्या होगा, यूजुअली इससे क्या होगा कि आपकी जो सप्लाई ऑफ गुड्स है, गुड्स एंड सर्विसेज है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. ओके, सब्सिडीज से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, वेयर एज दी टैक्सेस से क्या होती है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है. ओके, देन देयर इज अ लास्ट डिटरमिनेंट इज अदर फैक्टर. अदर फैक्टर्स की बात कर ले, जैसे देयर आर मेनी अदर फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल एंड द फॉरेन पॉलिसी, द गोल ऑफ द फर्म्स, द
गोल ऑफ द फर्म भी क्या करते हैं, आपको इफेक्ट करती है। बेसिकली जो गोल ऑफ द फर्म होते हैं, जो फर्म के गोल होते हैं, वो तीन गोल्स होते हैं। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है, एक सेल मैक्सिमाइजेशन का होता है, और रिस्क मिनिमाइजेशन का होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने का एक गोल होता है फर्म का, दूसरा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने का भी एक गोल होता है, और तीसरा होता है कि वो रिस्क जो हो वो मिनिमम, कम से कम रिस्क उनको करना पड़े। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, नेचुरल फैक्टर्स भी बहुत सारे चीज़ें होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइसेस भी क्या करते हैं, बहुत से ये अदर फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली आपके सप्लाई को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ओके, देन देर इज़ अ चेंज ऑफ अ सप्लाई। बेसिकली चेंज ऑफ द सप्लाई मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, आपका सप्लाई जो होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, बेसिकली जो अभी जो भी आपकी सप्लाई होती है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज की तब होती है ड्यू टू द सम फैक्टर्स की वजह से। क्या होती है, आपकी जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। जैसे आपका प्राइस हो गया, प्राइस ऑफ द रिलेटिव गुड्स का प्राइस हो गया, उससे उस पर डिपेंड करती है कि आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इनकम हो गया, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तीसरा होता है कि आपका कैसा टेस्ट हो रहा है, प्रेफरेंस कंज्यूमर का कैसा है, इन सारी चीज़ों पे क्या होता है, बेसिकली डिपेंड होता है, जिससे क्या होता है कि आपकी सप्लाई क्या करती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ओके, सो देयर आर टू पॉसिबल चेंजेस इन द सप्लाई में। बेसिकली यहाँ पे टू पॉसिबल चेंजेस होते हैं, एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट, मतलब इंक्रीज। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है कि आपका इंक्रीज हो रहा है आपकी सप्लाई में। ओके, और एक होता है आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, मतलब कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है तो आपकी क्या हो रही होती है, सप्लाई डिक्रीज हो रही होती है। ओके, सो अब देखते हैं राइट वर्ड शिफ्ट। राइट वर्ड मतलब आपका राइट वर्ड शिफ्ट होता है, मतलब इंक्रीज इन द सप्लाई कैसे शो होता है। देखिए, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सप्लाई, जब आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही होगी तो डिमांड रिमेन अनचेंज्ड। जो बेसिकली आपकी डिमांड होगी वो क्या होगी, आपकी चेंज नहीं होगी। मतलब बेसिकली इसमें ये कहते हैं कि आपकी जो जो आपकी सप्लाई है वो कब इंक्रीज़ करेगी, जब क्या होती है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपका जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, सप्लाई क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में क्या करता है, सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज को एट अ सेम प्राइजेस पे, और सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइजेस पे भी कर सकता है। तो उससे क्या होता है कि आपके जो भी प्राइजेस होते हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़, मतलब सप्लाई जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। बेसिकली सप्लाई का इंक्रीज़ होने का ये भी वो मतलब फैक्टर्स होते हैं आपके, कि आप बहुत ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उस वजह से भी आपकी सप्लाई इंक्रीज़ करती है। इनपुट प्राइसेस में क्या हो गया, फॉल्स आ गया इनपुट प्राइसेस में, आपके जो अदर रिलेटिव गुड्स हो गए उसमें भी फॉल हो गया है, और जो आपके टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट कम ले रही है, और सब्सिडीज़ क्या कर रही है, ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, और जो भी आपकी फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि जो सप्लाई को लेके उसमें क्या हो रहा है, फॉल हो रही है एक्सपेक्टेशन, मतलब फॉल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द फ्यूचर गुड्स की, और जो नंबर ऑफ द सेलर हैं वो क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होती है, जो आपकी सप्लाई होती है वो इंक्रीज़ करती है। देखिए, बेसिकली ये जो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग की ओर जा रहा है कि आपका डिमांड है, और जो ये अपवर्ड राइटवर्ड अपवर्ड है वो सप्लाई है आपका। ठीक है, ये इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। देखिए, बेसिकली जब आपकी प्राइस पी थी तो आपकी क्वांटिटी क्यू थी, लेकिन आपके प्राइस में क्या हुआ कि चेंजेस आए, मतलब प्राइस क्या हो गई, कम हो गया आपका। तो उससे क्या हो रहा है कि जब प्राइस फॉल हुए तो आपकी क्वांटिटी, जो आपकी सप्लाई ऑफ अ क्वांटिटी सप्लाई है, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ओके, सो देखिए आपका क्या हुआ कि एस से एस वन की ओर शिफ्ट कर दिया गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना इसमें। देखिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, इंक्रीज इन द सप्लाई में इंक्रीज हुआ है। ओके, देन देयर इज अ नेक्स्ट इज अ डिक्रीज इन द सप्लाई। डिक्रीज इन द सप्लाई क्या होता है, व्हेन द सप्लाई डिक्रीजेस डिमांड्स रिमेन अनचेंज्ड, जो डिमांड है वो अनचेंज रहेगी, सप्लाई जो हो रही है वो डिक्रीज होगी, देन दिस जो आपका कर्व है वो क्या होगा, शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है वो विल कर willing to supply a small quantity of a good, इसमें क्या करता है, जो supplier होता है वो will करता है, वो इच्छा करता है कि वो small quantity को क्या करे, supply करे। ठीक है, at a same prices पे, same prices पे, और same quantity को क्या करता है,
क्या करता है कि वो हायर प्राइसेस पे भी क्या करता है सेल करता है, ठीक है। सो उस सिचुएशन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिक्रीज इन द सप्लाई में। डिक्रीज इन द सप्लाई में क्या होता है, देखिए जब ये देखिए ये डिमांड है और ये सप्लाई है। डिमांड जब प्राइस P1 था आपका, और तो आपकी क्वांटिटी क्या थी, क्यू थी। जैसे ही प्राइजेस बढ़े हैं गुड्स के, तो क्या हुआ कि आपकी जो सप्लाई हो गई है वो कम हो गई है, ठीक है। सप्लाई कम हो गई तो देखिए ये लेफ्ट लेफ्ट मतलब लेफ्ट ओवर शिफ्ट हो रहा है। सो लेफ्ट ओवर शिफ्ट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिक्रीज इन द सप्लाई। इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि डिक्रीज इन द सप्लाई क्या हो रहा है, कि आप जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वो लेस इफेक्टिव टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हैं, और जो इनपुट प्राइसेस जितने भी हैं वो क्या हो गए हैं, वो बढ़ गए हैं। जो भी आपके रिलेटिव गुड्स के जो भी प्राइसेस थे वो भी इंक्रीज हो गए हैं, और जो आपने गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगा रही थी ऑन दी कॉस्ट ऑफ ऑन दी प्रोडक्शन पे, वो भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज कर गया। और जो सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो क्या हो गए हैं, वो कम हो गए हैं। और जो आपके एक्सपेक्टेशंस थे कि फ्यूचर प्राइसेस को लेके, वो क्या हो रहे हैं, वो बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। और जो नंबर ऑफ दी सेलर जितने भी मार्केट पे हैं वो क्या हो गए हैं, कम हो गए, डिक्रीज हो गए। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो क्या करते हैं, सप्लाई को डिक्रीज करते हैं, मतलब कम करते हैं। ओके, सो ये लेफ्ट ओवर की क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। ओके, थैंक यू गाइस, आई होप ऑल दी कंटेंट्स आर क्लियर, एंड दी नेक्स्ट लेफ्ट पार्ट विल बी कैरिड इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, एंड फॉर ऑल दी ई बुक्स एंड नोट्स प्लीज़ विजिट आर वेबसाइट, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, थैंक यू।